किसने नहीं दर्ज की हमारी FIR? धरना प्रदर्शन के दौरान महिला पहलवानों ने कही ये बात। नमस्कार, मेरा नाम है अंशु, स्वागत है आपका ई इंडिया न्यूज चैनल पर। कुश्ती के खेल में भारत के लिए मेडल जीतने वाले पहलवान फिर एक बार धरने पर बैठ गए हैं। इससे भारतीय कुश्ती संघ में घमासान का माहौल बन गया है। महिला पहलवानों के प्रदर्शन का कारण भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह हैं। उनके खिलाफ महिला पहलवानों ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर की है। मंगलवार को उनके वकीलों द्वारा सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की त्वरित सुनवाई की मांग की जाएगी। महिला पहलवानों ने कहा कि हमने ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ FIR दर्ज कराने की मांग की। मांग करने वालों में विनेश फोगाट समेत 7 अन्य महिला पहलवान शामिल हैं। और इसमें आगे कहा गया कि हम 21 अप्रैल को कनाट प्लेस थाने में काफी देर तक FIR दर्ज कराने की मांग करते रहे, लेकिन पुलिस द्वारा FIR दर्ज नहीं कराई गई। कहा यह जा रहा है कि रविवार को फाइलिंग में देर होने के चलते याचिका को औपचारिक नंबर नहीं मिल पाया। औपचारिक नंबर के तहत जारी नंबर मिलता है और इसके साथ ही मिशनिंग लिस्ट भी नंबर होना चाहिए, तभी याचिका पर सुनवाई का अनुरोध किया जा सकता है। पहलवानों के वकील ने अभी याचिका और याचिकाओं से संबंधित व्यक्तियों की डिटेल के संबंध में बात करने से मनाही की है। आपको बताते चले कि यह मामला करीब 2 से 3 महीने पुराना है, जिसमें कि 18 फरवरी को विनेश फोगाट समेत कई अन्य महिला पहलवानों और पुरुष पहलवानों ने भारतीय कुश्ती संघ के खिलाफ जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया था। उन्होंने अपने प्रदर्शन के दौरान कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह पर यौन उत्पीड़न आदि के आरोप लगाए और कुश्ती संघ में अव्यवस्था की बात भी कही। पहलवानों का कहना है कि कुश्ती संघ में मनमानी से काम किया जाता है। प्रदर्शनों में विनेश फोगाट के साथ अन्य पहलवान जैसे संगीता फोगाट, साक्षी मलिक, बजरंग पूनिया, अंशु मलिक जैसे पहलवान शामिल हैं। ऐसे ही ताज़ा न्यूज़ अपडेट पाने के लिए जुड़े रहिए हमारे ई इंडिया न्यूज़ चैनल के साथ।